अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक हमारा है एनर्जी। लॉन्ग क्वेश्चंस में इस पर एक क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आपने इसको याद रखना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकती है, लेकिन इसका अपना कोई लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं वहाँ पर, ये सिर्फ टॉपिक है। एनर्जी क्या है? इससे पहले टॉपिक हमने पढ़ी थी वर्क, कि किसी बॉडी की वो सलाहियत कि वो किसी दूसरे बॉडी को डिस्प्लेस करे, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, उसने फासला कवर किया, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। तो वर्क के लिए बेसिकली एक एबिलिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है? बेसिकली द एबिलिटी ऑफ वर्क। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की कौन सी सलाहियत टू डू वर्क, के वो क्या करे, काम कर सकता है। अब है क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है? देखिए, ये और वर्क दोनों की यूनिट भी सेम है, तकरीबन सेम है। इट इज़ बेसिकली एबिलिटी ऑफ वर्क। तो वर्क यूनिट जोल थी, इसकी यूनिट भी जोल हुई, वर्क स्केलर जाता है, ये भी स्केलर होगा, सो इट्स यूनिट इज आल्सो जोल। प्रैक्टिकल यूनिट इसके अलावा, जोल के अलावा क्या है? देखिए, हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन वाट, इस्तेमाल करते हैं किलो वाट हावर, कैलोरीज। इलेक्ट्रॉन वाट का सिंबल ईवी, किलो वाट हावर का सिंबल केडब्ल्यूएच, कैलोरीज का सिंबल सीएल। अब मास और एनर्जी का ताल्लुक क्या है? तो एक इक्वेशन है आइंस्टाइन का, फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, जिसके मुताबिक किसी भी मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप कभी ना कभी मास से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है? मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं एनर्जी के। हमारे जितने भी मशीन यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करता है या कन्वर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैकेनिकल एनर्जी एक फॉर्म है जो जनरेटर यूज़ करता है, केमिकल एनर्जी बैटरी वगैरह में यूज़ होता है, मैग्नेटिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब है कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर कन्वर्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि आपने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है या किस डिवाइस के थ्रू कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है डायनामो, इट कन्वर्ट, ये किसको कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या जिस तरह हमारे पास जनरेटर वगैरह होता है जो हम यूज़ करते हैं घर में, प्राइमरी या बैटरी वगैरह, एक कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, माइक्रोफोन स्पीकर वगैरह माइक, ये साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इंजन वगैरह कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और लाइट बल्ब लास्ट में बल्ब ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। तो ये आपका बेसिकली एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है एनर्जी, लेकिन आप इसको कवर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।